भिंड जिले में दिव्यांग कोटे से शिक्षकों की भर्ती के मामले में डॉक्टरों ने गजब फर्जीवाड़ा कर दिया। आंखों के डॉक्टर ने, पैर हड्डी के डॉक्टर ने, कान और ENT के डॉक्टर ने आंखों के दिव्यांगता के फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बना दिया। इन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर 2 साल पहले भिंड जिले के 157 लोगों ने शिक्षक की नौकरी हासिल कर ली। अब 3 सदस्यीय कमेटी की जाँच में शिक्षकों के मेडिकल सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए। मामला सामने आने के बाद 2022 में भर्ती हुए इन शिक्षकों की बर्खास्तगी के लिए विभाग ने जाँच रिपोर्ट लोक शिक्षण संचालनालय को भेज दी है। साथ ही संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने कहा, दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, सिविल सर्जन ने कहा कि मामला मेरे समय का नहीं है, लेकिन संज्ञान में आने पर एक्शन लूंगा। इधर कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कह रही है। जिले में और कुछ ग्वालियर जिले में ये जो दिव्यांगों के सर्टिफिकेट हैं वो कुछ गलत लोगों ने प्रस्तुत किए हैं, जो विधिवत जारी नहीं है, विधिवत बने हुए नहीं है। तो मुरैना में और ग्वालियर में तो इसकी जांच पहले ही हो चुकी है, और जो भी लोग शिक्षक इसमें पाए थे कि जिनके कि दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी है, वो जो इशू नहीं हुए हैं विधिवत जिले के हॉस्पिटल के अंगी से, उन सबको हमने सेवाओं से पृथक कर दिया। भिंड की जांच अभी तक नहीं हुई थी, तो भिंड की जांच रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है। तो जैसे भी जैसा है इन 2 जिलों में हुआ, वैसे भिंड के साथ भी होगा। वहाँ भी अगर जो भी शिक्षक जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाए हैं उनकी भी सेवा समाप्त नहीं, ऐसा नहीं कोई ऐसा नहीं बनाया जाता है। हमारे यहाँ बोर्ड लगता है हर बृहस्पतिवार को, और विषय विशेषज्ञ उसमें रहते हैं अपॉइंटेड, ठीक है, और वही बनाते हैं, दूसरा नहीं बनाता। लेकिन 10 का सभी करते हैं। नहीं, ये बहुत पहले अगर कोई हुआ हो तो ऐसा हुआ, लेकिन हमारे टाइम से जब से हम देख रहे हैं या हम भी बोर्ड में रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। कभी जीवन में ईश्वर ने जिन्हें किसी प्रकार का विकलांग नहीं है और उन लोगों को भी विकलांगता के प्रमाण पत्र जारी करने का काम जो भिंड के डॉक्टरों द्वारा शासन सरकार के दबाव में, यहाँ के प्रशासन के दबाव में, या उन्हें निजी लाभ के लिए जो जारी किए गए हैं, निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय है। और उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ जिस ठंडे वस्ते से उनकी जांच चल रही है, ये और ही बड़ा चिंतनीय विषय है।